हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल और आज हम देखेंगे कि कैसे क्या दो पीसी को एक दूसरे से लैन से कनेक्ट करके हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास दो पीसी है, उस दोनों पीसी को मैंने एक लैन केबल से कनेक्ट किया हुआ है। अब हम कंप्यूटर एम में चलते हैं और उसकी सेटिंग्स एक्टिवेट करते हैं। उसके लिए हमें वाईफाई सेटिंग में जाना पड़ेगा। उसमें एक नेटवर्क और शेयरिंग का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद लेफ़्ट साइड में इथरनेट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद हमें एक राइट साइड में नेटवर्क एंड शेयरिंग का एक ऑप्शन दिखाया, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखेगा इथरनेट का ऑप्शन, और नहीं दिख रहा है तो चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाइए। उसको क्लिक करने के बाद आपको इथरनेट ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें से आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यानी TCP/IP 4 को क्लिक करना है और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। उसके प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको दोनों ऑप्शन दिखाई, रेडियो बटन्स दिखाई देंगे, ऑप्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली और यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस। तो आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उसमें आपको IP एड्रेस डालना है। तो आपको पता नहीं होगा तो आप कौन सा भी डाल सकते हैं, या मैं एक एंटर कर रहा हूँ वो भी डाल सकते हैं आप। तो उसमें डाल रहा हूँ कि 192.168.1.10 और उस पर ओके कीजिए। पर आपको एक वार्निंग आएगी कि आपने सबनेट मास्क नहीं डाला है उसका एड्रेस, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है, तो आपको उसका कोई टेंशन नहीं है। तो आ गए हम इसे ओके करते हैं और उसे क्लोज कर देंगे। अब दोस्तों, आपको जो फोल्डर आपको जो शेयर करना है दूसरे पीसी के साथ वाया लैन, तो जिस फोल्डर को आपको सिलेक्ट करना है उसे आप सिलेक्ट कीजिए। तो मैं इसमें से एक फोल्डर सिलेक्ट करता हूँ मूवीज़ का। तो इसको राइट क्लिक कीजिए और गिव एसेस टू। अगर विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्ट शेयर विद में आपको स्पेसिफिक पीपल का ऑप्शन आ जाएगा। तो स्पेसिफिक पीपल को क्लिक करने के बाद आपका एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है एवरीवन करके। तो एवरीवन करने के बाद हमें उसे ऐड करना पड़ेगा। साइड में जो बटन है उस पर ऐड क्लिक कीजिए। सो ऐड क्लिक करने के बाद हमें इस परमिशन देनी पड़ेगी रीड और राइट। रीड और राइट में ये डिफरेंस है कि अगर रीड करेंगे तो सिर्फ आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, और रीड और राइट करेंगे तो आपको कॉपी भी कर सकते हो, और उसको अगर PCB और अदर PC से आप पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया और डन किया। इसके बाद सब क्लोज करेंगे और हम दूसरे PC में जंप करेंगे, और हम अभी कंप्यूटर बी में आएंगे, और जो सेटिंग जो हमने कंप्यूटर ए में की वही सेम सेटिंग हम कंप्यूटर बी में करेंगे। उसके वाईफाई सेटिंग्स में जाएंगे, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स मोड में जाएंगे, उसमें से हम इथरनेट ऑप्शन क्लिक करेंगे और नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में आ जाएंगे। और एडाप्टर सेटिंग में से हम इथरनेट ऑप्शन चूज़ करेंगे और उसे हम एक आईपी एड्रेस देंगे। अब जो वो आईपी एड्रेस हमने पीसी 1 में दिया था, वही आईपी एड्रेस हमको थोड़ा सा उसमें चेंजेस करना है। उसके पहले हम इसे IPv4 एड्रेस क्लिक करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अब हम उसमें से आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उसमें एंटर करना है आईपी एड्रेस 192.168.1। पिछले इसमें हमने 10 डाला था लास्ट में, अब हम इसमें 20 डालेंगे, क्योंकि दोनों भी हम सेम यूज़ नहीं कर सकते, और ये सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट ले लेगा। उसको ओके कीजिए, क्लोज कीजिए, और हम अभी एक्सेस करने को रेडी हो गए हैं। इसके लिए सिर्फ आपको एक सिंपल बटन प्रेस करने के, विंडोज़ आपके PC में और +R windows+R करके आप को एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें आपको PC1 का एड्रेस डालना है जो हमने डाला था 192.168.1.10। और उसके बाद आपको एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें आपको PC1 का यूज़र नेम और पासवर्ड बोलेगा, तो आपको वो एंटर करना पड़ेगा। किस PC में होता, कुछ PC में अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो ओपन हो जाएगा, किसी पे नहीं हो जाएगा। तो इस PC में ओपन हो रहा है तो हम इसमें डालते हैं और उसको ओके करते हैं। तो जो फोल्डर हमने शेयरिंग के लिए सिलेक्ट किया था वो आ गया है। अब इसमें से हम आपको जो भी कंटेंट चाहिए, जो फाइल्स चाहिए, वो
हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक फाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ जिस, तो इसमें से मैं एक फाइल सिलेक्ट करता हूँ कि फ्लाई वॉइस करके एक फाइल है, उसको सिलेक्ट करते हैं। और उसे कॉपी करते हैं हम, और रीड किया होता तो हम सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते थे। तो चलिए इसे हम अपने पीसी में पेस्ट करते हैं, एक फोल्डर में एक फोल्डर बनाते हैं और उसमें हम पेस्ट करेंगे। चलो चलो ये अभी कॉपी हो रहा है फाइल। ये जो लैंग की स्पीड है वो डिपेंड करती है कि आप कौन किस टाइप का लैंग यूज़ कर रहे हैं। अगर अच्छे क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं तो अप टू 100 Mbps तक स्पीड जा सकती है। फिलहाल मैं थोड़ा कम क्वालिटी लो क्वालिटी वाला यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी 11, 12, 22 Mbps तक जाएगी। तो ये कॉपी हो चुका है फॉरवर्ड करके। अब हम अगर हमें PCB में से अगर PCA में अगर कुछ फाइल सेंड करनी है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो मोड लिया था वो रीड और राइट का था। तो अगर हमें फाइल सेंड करनी होगी तो हम कर सकते हैं। तो हम एक फाइल सिलेक्ट करते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं हम और इसे कॉपी करेंगे और PCA में इसे हम पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें ओपन करना पड़ेगा Windows+R, फिर से दबाना पड़ेगा और वो जो PCA का फोल्डर था मूवीज़ उस ओपन हो जाएगा, उसमें हम उसे पेस्ट करते हैं। तो इसे पेस्ट के लिए डाल दिए और पेस्ट भी हो गया। तो इस तरीके से आप आपके PC में एक PC से दूसरे PC में वाया LAN थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सामने बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।